जनपद में आए दिन चोरी के मामले सामने आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस की लगातार कोशिशों से घटना को अंजाम देने वाले चोरों का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल मामला कंधाला क्षेत्र का है, जहां 10 दिन पहले ही जब मकान मालिक अपने घर के ऊपरी हिस्से में सो रहा था, उसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे सोना चांदी व आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर दिया था, जिसकी सूचना मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को दी। ये थाना कांधला पर 10 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 9 सितंबर की रात्रि में मोहल्ला कानून गोयान के रहने वाले अशोक चौहान के घर में रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा घुसकर उनकी काफ़ी संख्या में ज्वेलरी और नकदी चुरा ली गई थी। इसी तारीख पर तत्काल कांधला पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अज्ञात चोरों का पता लगाने हेतु टीम का भी गठन किया गया था और टीम के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो उनके द्वारा जो ज्वेलरी बेची जाती थी एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों जो अभियुक्त हैं इनका आपराधिक इतिहास भी है, पहले ये जेल भी जा चुके हैं और तीनों ही जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर काफ़ी मात्रा में जो ज्वेलरी चोरी की गई थी वो बरामद कर ली गई है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस की शिकायत के आधार पर 3 मुख्य आरोपी आसिफ महबूब और नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही पुलिस का दावा है कि जल्द फरार अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। APT भारत के लिए नासिर अली की रिपोर्ट।